हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन इकोनॉमी से शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक, जेपीएससी के सिलेबस में ये एक क्वेश्चन है और अभी तक यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन एक गेस क्वेश्चन के तौर पर हो सकता है। छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है, मुझे उम्मीद है फुल क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन आ सकता है या नहीं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि जेपीएससी में 40 मार्क का क्वेश्चन का बात किया गया है, लेकिन पिछली बार हम लोगों ने देखा है कि इंडियन पॉलिटी और पीएमए शॉर्ट क्वेश्चन भी 20 मार्क के पूछे गए थे। खैर, जैसे भी पूछे, ये एक फुल क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ी आराम से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो शेड्यूल बैंक के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब आप लिखना शुरू करें, तो सबसे पहले आप दो लाइन में ये जरूर बता दीजिए कि बैंक क्या है। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो ग्राहकों का जमा स्वीकारने का काम करती है और ग्राहकों के या जमाकर्ताओं के मांग पर उनको उनका रुपया देने या एडवांस देने का भी काम करती है। भारत में अगर हम लोग बैंक की संरचना को देखें तो मोटे तौर पर तीन तरह की बैंक आती है। कॉमर्शियल बैंक, जिसको हमने घेर रखा है, कोऑपरेटिव बैंक मतलब सहकारी बैंक, और डेवलपमेंट बैंक मतलब कि विकास बैंक। तो ये तीन बैंक भारत के बैंकिंग संरचना के तहत आती है, जिसमें से कॉमर्शियल बैंक के साथ ही शेड्यूल बैंक का संबंध है। तो हम लोग कॉमर्शियल बैंक को लेकर के अपने आंसर को आगे बढ़ाएंगे। तो कॉमर्शियल बैंक मतलब कि वैसा बैंक, जब इस शब्द का मतलब बैंक शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ ही होता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आरबीआई के अलावा जितने भी बैंक हैं वो सभी बैंक कमोबेश इसी श्रेणी में आते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक को दो लाइन लिख दीजिए। इसके बाद बताइए, कॉमर्शियल बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक शेड्यूल बैंक और एक नॉन शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बता दें कि अनुसूचित बैंक क्या है। तो अनुसूचित बैंक को बताते हुए आप ये लिखिएगा कि आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत वैसे बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं जिनको कि आरबीआई ने अपनी दूसरी सूची में शामिल कर रखा है। हम फिर से दोहरा दें कि आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जिन बैंकों को आरबीआई ने अपनी दूसरी अनुसूची में या दूसरी सूची में शामिल कर रखा है वो अनुसूचित या शेड्यूल बैंक कहलाते हैं, जबकि जो उस सूची में शामिल नहीं होते हैं वो गैर अनुसूचित या नॉन शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। अब जब शेड्यूल बैंक को आपने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, तो आप आगे इस फ्लो चार्ट का आप निर्माण जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको आंसर आगे ले जाना आसान हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि हमको क्या कुछ लिखना है, साथ ही एक ही साथ शेड्यूल बैंक का जो पूरा क्लासिफिकेशन है यहां पर हम लोग को नजर भी आ जाएगा। तो शेड्यूल बैंक को डिफाइन करने के बाद हम आगे ये बताएंगे कि जिन बैंकों को शेड्यूल बैंक की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है उन बैंकों के लिए क्या लाभ होगा। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि शेड्यूल बैंक में आरबीआई शामिल किसको करेगा। तो शेड्यूल बैंक में शामिल करने के लिए दो शर्तें हैं। पहला तो शर्त यह है कि उस बैंक का जो प्रदत्त पूंजी हो, पेडअप कैपिटल हो, वो 5 लाख रुपया से कम ना हो। पेडअप कैपिटल का मतलब अगर नहीं समझ रहे हैं तो सामान्य शब्दों में समझिए कि वैसा पैसा जो उधार नहीं लिया गया हो, ठीक है, या यूं कहें कि जब बैंक अपने शेयर को जारी करके खुले बाजार से या प्राथमिक बाजार से जो पैसा अर्न करती है वो पेडअप कैपिटल कहलाता है। तो अनुसूचित बैंक होने के लिए पहला कंडीशन ये है कि उस बैंक का प्रदत्त पूंजी या पेडअप कैपिटल और संचित निधि कम से कम 5 लाख रुपया का हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि आरबीआई ये आश्वस्त हो जाए कि उस बैंक की क्रियाकलाप इस प्रकार से है कि वहां ग्राहकों का हित सुरक्षित है। अगर कोई बैंक ये दो कंडीशन को फुलफिल करता है तभी आरबीआई उसको अपनी सूची में शामिल करता है और वो शेड्यूल बैंक कहलाता है। तो शेड्यूल बैंक क्या था, हम एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं ताकि आपको लिखना आसान हो जाए। आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत जिन बैंकों को आरबीआई अपनी दूसरी सूची में शामिल करता है वो शेड्यूल बैंक कहलाते हैं, और जिसको शामिल नहीं करता है वो नॉन शेड्यूल बैंक कहलाते हैं।
शेड्यूल बैंक के लिए दो शर्तें हैं। पहला कि उसका प्रदत्त पूंजी और संचित निधि कम से कम 5 लाख रुपया का हो, और दूसरा ये कि उस बैंक का क्रियाकलाप ग्राहकों के हित के लिए सुरक्षित हो। अब अगर किसी बैंक को शेड्यूल बैंक की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है तो उस बैंक को क्या लाभ होगा? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाभ होते हैं, जैसे कि पहला अनुसूचित बैंकों को पहला ये होगा कि RBI के माध्यम से ऐसे शेड्यूल बैंक को बैंक दर पर ऋण उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो शेड्यूल बैंक होंगे RBI उनको बैंक दर पर उधार देने का काम शुरू कर सकती है, उधार देने का काम करेगी। जो शेड्यूल बैंक होते हैं उनको स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली उनको क्लियरिंग हाउस या जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समाशोधन गृह की जो सदस्यता है सो हासिल हो जाती है। ऐसे बैंक RBI के पास CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो और SLR स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो सांविधिक तरलता अनुपात के रूप में RBI के गाइडलाइन के अनुसार एक निश्चित रकम और लिक्विडिटी को जमा करेंगे। आपको याद होगा इन्फ्लेशन में CRR और SLR का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके अलावा जो शेड्यूल बैंक है उनको चौथा लाभ ये होगा कि RBI के माध्यम से या RBI के द्वारा उनको उदार ब्याज दर पर उधार देने का काम किया जाएगा। तो शेड्यूल बैंक होने का ये फायदा होता है। हालांकि यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि जो गैर शेड्यूल बैंक है वो भी RBI में CRR और SLR जमा कर सकते हैं। खैर, तो जब शेड्यूल बैंक कंडीशन इसका आपने बता दिया, किसको बोलते हैं ये बता दिए, इसका बेनिफिट क्या होगा ये भी हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया। अब हम लोगों को बताना है कि शेड्यूल बैंक 5 प्रकार का होता है। एक SBI, दूसरा नेशनलाइज बैंक, तीसरा निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक, चौथा निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक, और पांचवा RRB रीजनल रूरल बैंक। ये सभी शेड्यूल बैंक की श्रेणी में आते हैं। तो ये फ्लो चार्ट के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके इन बैंकों के संदर्भ में बताने का काम करें, जिसमें अगर हम लोग पहले बैंक की बात करें जो कि SBI यहां पर लिखा हुआ है, तो SBI के संदर्भ में आप ये बताइएगा कि ब्रिटिश भारत में जो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का निर्माण किया गया था, आपको होपफुली याद होगा 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना की गई थी या बंबई की स्थापना की गई थी, और फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। तो ब्रिटिश काल में जिन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का निर्माण किया गया था, जिनकी स्थापना की गई थी, उन बैंकों को 1921 में एसोसिएट किया गया, एकीकृत किया गया और उन बैंकों को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। तो SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को गोरावाला समिति की सिफारिश पर 1955 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। तो इस तरीके से SBI 1955 में गोरावाला कमेटी के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रीयकृत हो गई। ये जो व्यावसायिक बैंक का पूरा एक श्रृंखला है, उन सभी व्यावसायिक बैंकों में SBI देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, सबसे बड़ा शेड्यूल बैंक है और साथ ही सबसे अधिक लाभ कमाने वाला बैंक भी है। लेकिन वास्तव में ये नेशनलाइज बैंकों की सूची में शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रारंभ से ही SBI राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण में काम करती है और सरकार का इस बैंक में जो अंशधारिता है या हिस्सेदारी है वो 50% से ऊपर है। तो यहाँ पर हम लोगों को इंपीरियल बैंक के बाद 1955 में गोरावाला कमेटी के रिकमेंडेशन पर SBI की स्थापना की बात करनी है। SBI देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है ये बताना है। फिर इसमें आप आगे ये भी ऐड कर सकते हैं कि 1959 में SBI एसोसिएट्स एक्ट पारित किया गया। इस SBI एसोसिएट्स एक्ट के तहत SBI में उसके 7 सहायक बैंक थे, लेकिन फिर बाद में इन बैंकों का SBI के साथ ही
मर्जर किया गया 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र का और 2009 में बैंक ऑफ इंदौर का, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का, ठीक है, इसको मर्ज कर दिया गया। और फिर अल्टीमेटली 1 अप्रैल 2017 से जितने भी उसके एसोसिएट्स बैंक थे उन सब को एसबीआई में विलय कर दिया गया, एसबीआई में शामिल कर दिया गया। इतनी बातें आप 1955 में स्थापित एसबीआई के संदर्भ में लिख करके फिर अब आप दूसरे नंबर पर आइएगा, राष्ट्रीयकृत बैंक। बैंकों को समाज के लिए और उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से भारत में जो व्यवसायिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का ऐसा पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले चरण में 14 वैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनका कि जमा पूंजी 50 करोड़ या उससे ऊपर था। तो पहले चरण में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा थी। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। और इस क्रम में 6 वैसे बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया जिनकी की जमा पूंजी 200 करोड़ रुपया से ज्यादा थी। पहले चरण में 50 करोड़ या उससे ज्यादा जमा पूंजी वाले बैंकों का, और दूसरे चरण में 200 करोड़ या उससे अधिक जमा पूंजी वाले जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। सितंबर 1993 में दो बैंकों का, जो दो राष्ट्रीयकृत या नेशनलाइज्ड बैंक थे, आपस में उनका विलय किया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया था 1993 में, जिसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 हो गई। बाद में आईडीबीआई बैंक का और महिला बैंक का भी राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। वक्त के साथ बैंकिंग व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप 30 अगस्त 2019 से 30 अगस्त 2019 से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को, 4 जो सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक थे उनके साथ उसको मर्ज करने का काम किया। ये जो 4 बड़े बैंक थे इसमें आपको कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, यूको बैंक है, और एक और कोई बैंक है जो अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। तो 4 बैंकों के माध्यम से इन सभी जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे इनको मर्ज कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में अनुसूचित बैंकों की संख्या 27 थी, वो आज की तारीख में अनुसूचित बैंकों की संख्या, सार्वजनिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उनकी संख्या 12 हो गई है। तो यहां पर नेशनलाइज्ड बैंक। अब इसके बाद जो तीसरा तरह का शेड्यूल बैंक है वो है निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक। तो निजी क्षेत्र का भारतीय बैंक का मतलब हुआ कि वैसे बैंक जिसका कि स्वामित्व प्रबंधन निजी व्यक्तियों या निजी हितधारकों में निहित हो, उनके हाथों में है, वो भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक कहलाएंगे। और भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों को भी हम लोग फर्दर दो भागों में बांटते हैं, पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक और नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक। तो पुरानी पीढ़ी के जो भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक हैं वो ऐसे बैंक हैं जिनकी की स्थापना नरसिंहम समिति प्रथम का जो रिकमेंडेशन आया था उसके मानदंड से पहले स्थापित किए गए थे, जबकि नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक वो है जो नरसिंहम समिति 1 के 1994 में जो रिकमेंडेशन आया और उस रिकमेंडेशन में जो मानदंड रखे गए, उन मानदंडों के आधार पर जिन बैंकों की स्थापना की गई वो निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक की श्रेणी में आते हैं। अगर ओवरऑल हम लोग निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों का उदाहरण लेना चाहें तो सबसे पहला बैंक एक्सिस बैंक था जो कि इस श्रेणी में आया, यस बैंक, ये सब जो बैंक है, कुछ बैंक का आप चाहेंगे तो एग्जाम्पल देते हुए आगे निकल जाइएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने किया। अब इसके बाद निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक, परिभाषा बिल्कुल वही है, वैसे बैंक जिनका के स्वामित्व प्रबंधन और नियंत्रण किसी विदेशी व्यक्ति या विदेशी नागरिक या उनके प्रतिनिधिक संस्था में नहीं हो, वो विदेशी बैंक कहलाएंगे।
ऐसे बैंकों का उदाहरण भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, ड्यूस बैंक है, ऐसे कई सारे बैंक के उदाहरण आप खुद भी लिखने की स्थिति में है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने किया। अब शेड्यूल बैंक में पांचवा और आखिरी है RRB, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। दरअसल भारत में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यह था कि इसको समाजोपयोगी बनाया जाए, समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन राष्ट्रीयकरण का वास्तविक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उद्यमियों को, किसानों को, या छोटे मोटे रोजगार में लगे हुए या आम लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। ऐसी ही स्थिति में नरसिंहम समिति के नेतृत्व में एक कार्यदल का गठन किया गया और उस कार्यदल की अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को भारत में क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय बैंकों का जो पर्यवेक्षण है, जो मॉनिटरिंग का काम है, ये नाबार्ड के माध्यम से किया जाता है। और ये जो क्षेत्रीय बैंक हैं, ये भी बाकी बैंकों के समान ही RBI के गाइडलाइन में काम करती है। RRB या रीजनल रूरल बैंक का स्वामित्व 3 हाथों में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके हाथ में 50% की शेयरधारिता है। स्टेट, जिस स्टेट में ये बैंक है उसका 15% हिस्सेदारी होता है। और जो प्रोमोटर बैंक है, मतलब जो ओरिजिनेटर है या जो प्रवर्तक बैंक है, उसका 35% शेयर होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों को, उनकी छोटी जमाओं को स्वीकार करता है और जरूरत के अनुसार उनको ऋण और एडवांस देने का काम करता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि भारत में व्यावसायिक बैंकों के अंतर्गत शेड्यूल बैंक का एक पूरा नेटवर्क है जो RBI के गाइडलाइन में, RBI के निर्देशन में, नियंत्रण में काम करती है। और देश के अलग अलग क्षेत्रों का, चाहे वो नगरों में हो, महानगरों में हो, शहरों में हो, कस्बों में हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में हो, तो देश के अलग अलग भागों का ये शेड्यूल बैंक प्रतिनिधित्व करते हैं और वित्तीय समावेशन की जो संकल्पना है उसको फुलफिल करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। तो शेड्यूल बैंक के अंतर्गत आपको इतनी सारी बातें लिखनी है, जिसके संदर्भ में मैंने आपको एक छोटे से इंट्रोडक्शन, मतलब बैंक को बताइएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक की संरचना में इन तीनों को बताइएगा, कॉमर्शियल बैंक एक लाइन में बताइएगा कि बैंक शब्द का जब प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ व्यावसायिक बैंक ही होता है। व्यावसायिक बैंक देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने का काम करता है। और व्यावसायिक बैंक 2 प्रकार के, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। फिर मैंने आपको बताया था कि 1934 RBI एक्ट अनुसार जिसको RBI सेकेंड लिस्ट में शामिल करती है वो शेड्यूल बैंक कहलाएगा। 2 कंडीशन की बात मैंने की थी, फिर उससे लाभ क्या होगा वो मैंने बताया था। फिर बताइएगा कि शेड्यूल बैंक इस तरीके से क्लासिफाई है, इसको फ्लो चार्ट में आप दिखाते हुए ये 1, 2, 3, 4 और 5 और सब के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी देकर के एक शॉर्ट कंक्लूजन जो मैंने आपको लास्ट में ही बताया आप उसको लिखिएगा, आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हम एक क्वेश्चन आपको कराएंगे, डिस इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, वो भी इस बार के घेस में है, तो आप उसके लिए भी निश्चित तौर पे तैयार रहिए। चलिए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, जल्द मिलते हैं आपके साथ और फिर किसी नए टॉपिक पर, जैसा कि मैंने बताया डिस इन्वेस्टमेंट पर हम लोग संभवतः अगले वीडियो में मिलेंगे। बात